मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गत रात जिस तरीके से दो युवक खाना खाकर जब होटल से लौट रहे थे उनकी कार जो है BRTS कॉरिडोर में टकरा गई। टकराने के बाद दो लोग थे, उन दोनों युवकों को उठाकर पुलिस थाने ले गई, जिसके बाद पुलिस पर उन युवकों के परिजनों का आरोप है कि उन युवकों की बेरहम से बर्बरता से पिटाई की गई, जिसमें से एक युवक शुभम मिश्रा की जो है मौत हो गई। हालांकि PM रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन परिजन और विपक्ष जो है वो पूरी तरह से पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। भोपाल पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। TI अजय मिश्रा समेत बैरागढ़ थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के डिपो चौराहे पर, भारत माता चौराहा है ये। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मृतक शिवम मिश्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए और पुलिस पर कानूनी कार्रवाई और हो और इसकी न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचने वाले हैं। शिवम मिश्रा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। शिवम मिश्रा के पिता जो हैं वो भी पुलिस में ही हैं, हालांकि वो दिव्यांग हैं, और उसकी माँ जो हैं वो भी चलने फिरने में बोलने में असमर्थ हैं। और किस तरीके से अब इस पर जो है अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बताते हैं सर किस तरीके से ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। अब ये कल से सब चल ही रहा है, एक भैंसियाना ढंग से एक नौजवान की हत्या कर दी गई है। सरकार के कान में जूं तक नहीं रह रही है। माँ बाप बहन परिवार की हालत आप देख रहे होंगे, माँ दिव्यांग है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, पिताजी को पैरालिटिक अटैक है, एकमात्र बहन है, इसकी सगाई होना थी, उस नौजवान को छीन लिया, उनके खिलाफ मुकदमे तक दर्ज नहीं हो रहे हैं, और इसलिए आज ये धरना राजनीतिक धरना हमने दिया जिसमें पुलिस परिवार और नौजवान आप देख रहे होंगे कि यहाँ है। हमारी मांग यही है कि CBI की जाँच हो, इस बिटिया को नौकरी दी जाए और जिन्होंने हत्या की उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। PM रिपोर्ट कह रही है कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन जिस तरीके से खबरें मिल रही हैं कि पुलिस ने पहले उनके साथ बर्बरता से पिटाई, मरने के समय हार्ट अटैक तो होता ही है, सबको ही होता है, और जिस प्रकार बर्बरता की है तो किसी भी निर्दोष आदमी की हालत क्या होगी ये कल्पना हम कर सकते हैं, लेकिन जो सारी रिपोर्ट्स और तथ्य आ रहे हैं, यहाँ डॉक्टर का भी जो बयान आया है वो अपने आप में स्पष्ट है, और इसके बाद भी अगर कमलनाथ जी के कान में जूं नहीं रह रही है और उन्होंने इतनी आंखें मूंद ली और कान बंद कर लिए हैं तो ये मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप भी गृह मंत्री रहे हैं, 15 साल आपकी मध्य प्रदेश में BJP की सरकार रही है, लेकिन इस तरीके का मामला वो भी भोपाल जैसी राजधानी में अगर सामने आ रहा है तो दूर दराज के इलाकों में क्या करती होगी पुलिस? कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार कैसे हौसले बुलंद हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि पैसे लेकर पोस्टिंग जो हो रही है, अधिकारियों पर कोई डर बचा नहीं है और निरंकुशता बढ़ती जा रही है, और चिंता का विषय ये कि जहाँ मुख्यमंत्री और सारे आला अफसर बैठे हुए हैं, मां तीन दिन होने के बाद भी, सारा स्पष्ट होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इतनी बेशर्मी जो ओढ़ी है ये तो कम से कम मध्य प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। न्यायिक जांच की जो बात इन्होंने कही है तो न्यायिक जाँच से आप संतुष्ट? कोई मतलब नहीं है, CBI जाँच होना चाहिए, पुलिस जिसमें इन्वॉल्व हो उसमें न्यायिक जाँच क्या कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उमा शंकर गुप्ता जी हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं। अब तस्वीरों में एक बार फिर से हम दिखाते हैं शिवम मिश्रा के परिजनों को, ये उनके माता पिता हैं, बहन हैं जिसकी सगाई होनी थी अगले महीने, और किस तरीके से इस परिवार पर दुख का जो है पहाड़ टूट पड़ा है। और इसके अलावा BJP की अगर हम बात करें तो BJP मध्य प्रदेश में विपक्ष में है, तो BJP के नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर भोपाल के कुछ पुलिस जो कर्मी हैं उनके भी परिजन यहाँ पहुँचे हैं, जो पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश में भोपाल में पुलिसकर्मी तैनात हैं उनके परिजन भी यहाँ पहुँचे हैं और शिवम मिश्रा के परिवार के साथ पहुँचे हैं, और वो भी ये मांग कर रहे हैं। दरअसल शिवम मिश्रा के जो पिता हैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनके पिता भी पुलिस साइबर थाने में पदस्थ हैं, इनकी माता जो है माता भी पैरालिसिस, उनको अटैक है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि शिवम अपने परिवार में इकलौता बेटा था और उसकी जो है एक बहन है और उस बहन की भी सगाई होनी थी, तो किस तरीके से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और अब BJP के अलावा पुलिसकर्मियों के परिवार भी जो है अब निकल कर घरों से बाहर पहुँचे हैं और मांग कर रहे हैं कि
देखिए बोलने की भी वो स्थिति में नहीं है। हमने उनसे इशारा किया, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जिसका इकलौता बेटा हमेशा के लिए चला गया हो उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वो बोलने की भी स्थिति में नहीं है, और हम भी नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थितियों में उनसे बातचीत करें। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ कुछ और कार्यकर्ता मौजूद हैं, कुछ आम जन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये भोपाल का पुलिस का जो चेहरा सामने आया है इस पर क्या कहना है। पुलिस का चेहरा टोटल बवरतापूर्वक है। पुलिस ने इतना बड़ा अपराध नहीं करा था कि उसको इस कारण से उसको मारा जाए। ये बहुत बड़ा अपराध है और पुलिस को खुली छूट मिली हुई है। और जब से कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार आई है पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ गई है, और पुलिस की गुंडागर्दी का परिणाम ये हुआ कि आज पूरे भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर मैं तो कहूँगा कि पूरे भोपाल के अंदर अपराधों का बोलबाला बढ़ा हुआ है। इतवारे में चाहे सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई, और उस अपराधी ने उस जिसको गोली मारी उसको उठाकर अस्पताल के बाहर फेंक दिया गया। एक कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की को ब्लेड मार दी गई। इस तरह अनेक अपराध बढ़े। रामदयाल प्रजापति जी हमारे साथ हैं, रामदयाल प्रजापति जी से बातचीत करते हैं। दिनों जो घटना घटी है, 6 जून को भी कोलार में एक मामला आया था, वहाँ भी एक युवक को पुलिस ने मारा था, उसके बाद पुलिस बैक। बहुत ही दर्दनाक घटना है, क्योंकि कांग्रेस की जब से सरकार आई है पुलिस निराकुश हो गई है। थोड़ा सा जरा मेरा आग्रह है सभी से, कृपया थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में सहयोग कर दे, आप लोग भी थोड़ा सा, मेरा आग्रह है जी। राजेश तो हम इस तरफ चलते हैं जी। तो अभी हाल ही में जो मांडवे में घटना हुई वहाँ भी पुलिस ने जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, और उसके कारण जो है वो बच्ची जो है वो मतलब वो भी ख़त्म हो गई। उसको पुलिस चाहती तो उसको सर्च आउट कर सकती थी, परंतु वहाँ पुलिस ने वहाँ भी अपने बेरहमी के साथ उस केस को लिया। उन्होंने इतनी गंभीर केस था और उसको भी लिया। और ऐसे ही ये शुभम वाला मामला है, इसमें भी एक्सीडेंटल केस में कभी भी पुलिस का हस्तक्षेप जो है रिपोर्ट पर नहीं होता है, बल्कि उसका सबसे पहले मेडिकल एड का होता है। ये कानून भी है, नियम भी है, पुलिस मैनुअल में भी ये बात है, परंतु पुलिस वालों ने जिस तरह से उसको थाने ले जाकर के मारपीट करना की, और मैं तो कहता हूँ कि उसके पास जो है जिस तरह से वो लड़का बड़ा मतलब सोफेस्टिकेटेड बच्चा था वो, और अपने चेन वगैरह अंगूठी वगैरह और ये काफ़ी महंगा सामान का बड़ा शौकीन लड़का था, तो वो सब देख करके मुझे तो लगता है पुलिस जो है वो लालच में आ गई और उससे वो सब छीन लिया। उसकी बहन की शादी होने वाली थी, उसका पैसा भी उसने विड्रॉ करा था और वो पैसा भी उसके पास था, परंतु जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने ये सब चीज़ें कोई उपलब्ध नहीं कराई है, और उसके कारण जो है ऐसा संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हुई है। कि जब वो पहचान गया उसने बताया कि परिवार के लोगों ने जब उसने बताया कि मैं भी पुलिस का हूं, तो उसने कहा ऐसा नहीं, हमारी पोल खुलेगी, इस वजह से उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आम जनता हो या बीजेपी के नेता हो वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। अब हम दिखाते हैं और भी कुछ लोग यहां मौजूद हैं, कुछ लोग पहुंचे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचेंगे, अभी नेहरू नगर पुलिस लाइन के कुछ लोग यहां पहुंचे हुए हैं, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उस तरफ दिखाते हैं आपको, पूरा पंडाल यहाँ पर भरा हुआ है। शिवम मिश्रा के कुछ परिचित भी होंगे यहाँ पर, कुछ दोस्त भी होंगे। और नेहरू नगर, आप कहाँ से आए हैं? नेहरू नगर से। आप भी पुलिस लाइन में रहते हैं? नहीं, पुलिस लाइन में नहीं रहते, हम तो इधर रहते हैं। पेरोल पर आया। ये जो घटना हुई है इससे सभी दुखी है, आप क्या कहेंगे? दुख की बात ही है, पुलिस को पहले कार्रवाई करनी चाहिए, मारना क्यों चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। उनको मारने का कोई कोई नहीं है, कोई इसलिए गलत तो नहीं है, एक्सीडेंट हुआ हो जाता है, ऐसे मारना नहीं चाहिए पुलिस को। तो बिल्कुल, महिलाएं हो, पुरुष हो या युवा हो, सभी इस बात पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी दुखी है और सभी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आप? शुभम। कहाँ से आए हम? जी, मैं जवाहर चौक से। अच्छा, जवाहर चौक, आप जानते थे शिवम? जी हाँ, मेरा फ्रेंड थे ये। जी हाँ, मेरे दोस्त थे ये। अपनी आत्मा को जिंदा रखना चाहिए। इतनी शिवम मिश्रा जिसकी मौत हुई है वो आपके दोस्त थे? जी जी जी। क्या जानते हैं उनके बारे में? क्या उनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? कोई कुछ नहीं था, सिर्फ पुलिस की ज्यादा थी, सिर्फ उन्होंने बहुत ज्यादा पुलिस वालों ने मारा गया है और सिर्फ और सिर्फ हत्या है। वो उनका दोस्त उन्हें रात में 1 बजे मिला भी, उसके बाद भी पुलिस वालों ने इतना मारा कि 4 बजे तक उनकी हत्या कर दी गई। इस कहानी में अब हमें सिर्फ न्याय चाहिए, हमें सरकार से निवेदन है कि हमें न्याय दिया जाए। और उसके बाद शिवम के ऊपर पहले कोई आपराधिक मुकदमा तो अभी तक उनके अलावा ऐसा कुछ कोई अपराध नहीं है, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। बिल्कुल शरीफ आदमी था ना, दारू सिगरेट कुछ भी नहीं करते थे वो।
क्या शौक था शिवम का, क्या उसकी हॉबी थी? ऐसा कुछ नहीं, बस उनका प्रॉपर्टी का काम था, वही उसको बढ़ा रहे थे, अपने माँ बाप का सपोर्ट कर रहे थे। उनके पापा विकलांग है, उनके लिए किया। आज जब वो बड़े हुए थे तो उनके लिए करना चाह रहे थे, तो पुलिस वालों ने ऐसा कर दिया। उनके माता पिता अकेले हो गए हैं, शिवम नहीं रहा, परिवार की जिम्मेदारी अब किसके ऊपर आएगी? अब उनकी एक छोटी बहन है, चाहते हैं कि सरकार उन्हें कुछ ना कुछ इंसाफ दे, जिनसे उनका घर परिवार चले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब लोग यहाँ पहुँचे हैं और शिवम मिश्रा की न्यायिक जांच की जो मांग की गई है उससे ये लोग संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि शिवम मिश्रा की मौत की सीबीआई जांच की जाए और उसकी जो एक बहन बची है, घर में जो एक बहन है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कैमरामैन कमलेश के साथ गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज 24।